तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः। श्याम कृष्ण कह रहे हैं कि आसक्ति के रहते मैं मेरापन, ये अगर जीवित हों मन में तो भक्ति अनन्य नहीं हो सकती, सुदृढ़ नहीं हो सकती। मन पे हजार बोझ पड़े हों, संकल्पों का, इच्छाओं का तांता लगा हो, सुख दुख में मन सदा ही बसा रहता हो, बुद्धि में संसार सत्य प्रतीत होता हो और उससे सुख की आशा बनी रहती हो, तो सीधी सी बात है, कहते हैं कि मन शांत कैसे होगा। अशांति नहीं जाएगी तो आपकी जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो दृढ़ कैसे होगी, एकाग्र कैसे होगी। कह भर दिया कि भगवत प्रेम ही जीवन का लक्ष्य है, भगवत प्रेम ही चाहिए, केवल कह भर देने से नहीं होता है। इसके साथ साथ वही मन जो ये कह रहा है वो संसार के प्रति आसक्ति इच्छाएं भी रख रहा है। मन तो एक ही है, मेरेपन का बड़ा सा बोझ सिर पे लादा हुआ है। कह भर दिया कि समर्पण चाहिए। समर्पण का अर्थ क्या होता है? जब अर्जुन हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं, शाधि माम त्वाम प्रपन्नम कह देते हैं, तो वो ये दिल से मान लेते हैं कि अब जो ये कहेंगे वो करूँगा, जैसा ये चलाएंगे वैसे चलूँगा, अपनी नहीं हाँकूँगा, मेरे संबंधी युद्ध में मर जाएंगे, राज्य नहीं चाहिए, जंगल में चला जाता हूँ, भिक्षा मांग के जी लूँगा, जो भी अनाप शनाप बातें वो कर रहा है उसको वो वहाँ रोक लगाता है और दिल से बोलता है कि अब आप जो कराओ, अपने संकल्प छोड़ना कि भविष्य ऐसे 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 हो, ये मेरे लिए अधिक ठीक है, ये समर्पण में नहीं होता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं बिल्ली के बच्चे की तरह हो जाओ। बिल्ली उन्हें मुंह में पकड़ती है और जहां बिठा देती है वो वहीं खेलने लग जाते हैं, और बंदर के बच्चे की तरह न हो, वो अपने हाथों से अपने माँ बाप को पकड़ता है, कहीं गिरने का खतरा होता ही है। समर्पित तो वो भी है पर मैं कर रहा हूँ, मैं पकड़ रहा हूँ, वो अभी चल ही रहा होता है
पर जब बिल्ली का बच्चा शेर का बच्चा जब मुंह से पकड़ के माँ उसको रखती है कहीं, तो उसमें कोई शक नहीं रह जाता, जहाँ वो रखेगी वहीं खेलेंगे। तो श्री रामकृष्ण कहते होते थे, जैसा माँ कराए, मैं यंत्र तू यंत्री, जैसा इस यंत्र को चलाए वैसा ये चले। ईश्वर सर्वभूतानाम, भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में, रिद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, कि यंत्रवत, जैसे एक यंत्र पे आपने कुछ किसी को चढ़ा दिया, अब वो यंत्र घूम रहा है। भगवान कहते हैं, मैं पूरे संसार को ऐसे ही चला रहा हूँ। जब आपकी बात ये समझ में आती है सच्ची तरह से, तो आप बिल्ली के बच्चे की तरह हो जाते हैं, जहाँ आप रखें। और उसके साथ दूसरी बात ये भी है कि आसपास के लोग भी जो कर रहे हैं वो भी भगवान उनसे बलवत करवा रहे हैं, वो भगवान ही करवा रहे हैं। ये जो कर्मफल उनके हैं, प्रारब्ध उनके हैं, संस्कार उनके हैं, संस्कार हमारे भी हैं, दोनों तरफ है, कर्मफल या प्रारब्ध और संस्कार जितने भी लोगों से मिलते हैं, बस ये आपस में संस्कारों का और कर्म फलों का या प्रारब्ध का खेल चल रहा है। और उस खेल का उद्देश्य है, बीच बीच में कोई एक पतंग कट जाएगी, बीच बीच में इस सारे प्रोसेस से निकलकर आप मन से बुद्धि से अपने पिछले स्वभाव से अनासक्त हो जाएंगे। कोई कोई हो जाएगा, सब लोग बाकी तो फंसे ही रहेंगे। जब मार पड़ पड़ के आसक्ति के कारण बहुत मार पड़ती है, बहुत दुख आते हैं, बहुत परेशानियां आती हैं, तो किसी किसी का एक सच्चा वैराग्य जागता है, मुझे संसार चाहिए ही नहीं, कुछ पकड़ना ही नहीं है, कहीं भागना ही नहीं है। मुश्किलें आएंगी सिर आँखों पर, कोई सुखमय परिस्थिति सी रहेगी सिर आँखों पर, ना इसमें हर्ष ना उसमें विषाद। हर तरह की परिस्थिति में मुझे सम रहना है। जब इस तरह से समझ कर समता को ग्रहण करते हैं, समता का आलिंगन करते हैं, समता से प्रेम करते हैं, तो हमारी बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि स्थिर होती है, एकाग्र होती है, तब कहीं जाकर भक्ति पनपती है, ज्ञान दृढ़ होता है और ध्यान गाढ़ा होता है, गहरा होता है। उथला उथला तो सब करते हैं, बैठ गए आधा घंटा एक घंटा बैठ लिए, पर गहरा, श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मोती चाहिए तो गहरे जाना पड़ेगा, समुद्र में गहरे पानी में मिलेंगे, ऊपर ऊपर मोती नहीं मिला करते हैं। भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय में, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धेर अयुक्तस्य नचायुक्तस्य भावना नचा भाव यत शांति ही अशांतस्य कुतः सुखम। राग द्वेष वियुक्तैस्तु, पसंद और नापसंद का जो जाल है, का जो बंधन है, का जो बोझ है, उससे वियुक्त होना,
उससे पीछे हट जाना। पसंद नापसंद का दूसरा नाम है हमारा स्वभाव। खाने के बारे में ले लो, कपड़ों के बारे में ले लो, कहाँ रहते हैं, कौन सी गाड़ी चाहिए, कैसे लोकेलिटी में घर चाहिए, बच्चों के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, संसार के प्रति, चाहे तामसिक राग द्वेष हों, चाहे राजसिक हों, चाहे सात्विक हों, अगर मुक्ति चाहिए, अगर भक्ति चाहिए, तो राग द्वेष उसमें कोई भेद नहीं करा उन्होंने, सारे के सारे राग द्वेष से वियुक्तैस्तु कह रहे हैं। विषयान इंद्रियैश्चरन, उसके बाद भी आपको युद्ध तो करना ही है, अपने कर्तव्य तो करने ही हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी दी गई हैं वो तो निभानी ही पड़ेंगी। भगवान कहते हैं आपकी प्रकृति बलात् निभवाएगी, आप रोक नहीं सकते, आपका स्वभाव ही ऐसा है। थोड़ी देर के लिए अगर अर्जुन जंगल में चला भी जाता है, थोड़ा वैराग्य सा हो भी जाता है कि नहीं नहीं मैं मारूंगा नहीं, एक महीने के अंदर वो शिकार करने लग जाएगा, कभी शेरों को मारेगा, कभी चीतों को मारेगा, फिर उसका धर्म उठ जाएगा, ओ ये तो ऋषिगण हैं, इनको ये राक्षस तंग कर रहे हैं, उनकी ऐसी की तैसी, मैं देखता हूँ उनको। उसके स्वभाव में क्षत्रियपना है। आप भी अपने जीवन में देखेंगे कि जो भी स्वभाव आपका होता है, जगह बदलने से वो बदलता नहीं है जब तक आप स्वभाव पर ही नज़र न डाल रहे हों। जब तक आप अपने स्वभाव के ही अनासक्त दृष्टा न बन जाएं, आप उसमें खोए ही रहते हैं। तो जो भी कर्तव्य दिए गए कि बच्चों को तो नहीं हम देखेंगे, ये तो फजूल का बोझ है, माँ बाप को तो नहीं देखेंगे, ये तो बोझ बन गए हैं, समाज के लिए हम कुछ करेंगे नहीं, ये तो बेकार की बातें होती हैं, हम तो भगवत प्राप्ति के लिए आपकी हड्डियाँ आपसे करवाएंगी। ये जो मरकट सा वैराग्य कभी कभी हो जाता है कि हम चले जाते हैं कहीं, हम भाग जाते हैं, वो मरकट ही होता है, श्मशान वैराग्य ही होता है, उसको साइड में कर दें। भगवत अर्पण बुद्धि से कर्तव्यों का निर्वाह करना है, बोझ मानकर नहीं, पूजा मानकर, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती है कि वही कर्तव्य करने हैं पर पूजा रूप से, परिवार को भी देखना है पर ये सब भगवत रूप है, किसी में अच्छा बुरा नहीं देखना है, हमारा काम सेवा का है, भगवान के इतने रूप हैं कर देते हैं। तो राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। आत्मवश कैसे होगा, साथ साथ में ध्यान चलेगा, भक्ति चलेगी, नाम चलेगा, मनन चलेगा, कर्तव्य पूजा रूप से करते हुए साथ साथ में भक्ति ज्ञान ध्यान उसको सुदृढ़ करें, तो ऐसे क्या होगा, प्रसादम अधिगच्छति, मन प्रसन्न रहेगा। प्रसादे सर्व दुखानां हारिन हानिरस्योपजायते, सर्व दुखों की हानि हो जाएगी। दुख क्यों आ रहे हैं, बोझ के कारण आ रहे हैं ना, मैं मेरा आसक्ति आशा अपेक्षा ये हो जाए वो ना हो, उसके कारण मन परेशान रह रहा है। तो जब आप सम हो जाएंगे तो परेशानी के कारण खत्म हो गए, दुख खत्म हो जाएंगे, आप अधिकतर समय खुशी से निकालेंगे। आपके लोगों के साथ बर्ताव, जिस ऑफिस में जाते हैं, जो काम करते हैं, जो लोग मिलते हैं, उनके साथ बर्ताव आपका प्रेम और खुशी से भर जाएगा, मन में क्षुब्धता नहीं रहेगी, दुख नहीं रहेगा, परेशानियां नहीं रहेंगी। प्रसन्न चेतोसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते,
तब आपकी बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। कौन सी बुद्धि? आध्यात्मिक बुद्धि। संसारिक बुद्धि तो सबकी एकाग्र है, ऑलरेडी एकाग्र है कि संसार से सुख चाहिए, धन चाहिए, कीर्ति चाहिए, यश चाहिए, इसमें तो सबको एकाग्रता होती ही है, जिसके कारण आध्यात्मिक बुद्धि में एकाग्रता नहीं आ पाती है। तो अब आपका मन शांत प्रसन्न हुआ, दुख खत्म हुए, तो बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। और उसके बाद नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य नचा युक्तस्य भावना नचा भाव यत शांति ही अशांतस्य कुत सुखम। बुद्धि एकाग्र हुई तो आपका ध्यान गहरा होगा, आप गहरे पानी में उतर पाएंगे मोतियों को पाने के लिए। वो भक्ति या ज्ञान या दोनों का मिश्रण जैसा भी हो, उसमें गहरापन गाढ़ापन आएगा, मन की चंचलता फिर सता नहीं रही होगी आपको। और जब ध्यान गहरा होगा तो परमानंद की, ब्रह्मानंद की, भक्त्यानंद की प्राप्ति होगी। भक्ति अनन्य होगी, आपका परमात्मा के साथ योग अनन्य हो जाएगा, जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा, आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। तो ये तो विन विन सिचुएशन है सबके लिए। रहना भी उसी घर में है, दुकान भी वही है, ऑफिस भी वही है, कुछ नहीं चेंज करना, बस अपना एटीट्यूड चेंज कर लेना है, अपना देखने का तरीका बदल लेना है, इतनी सी ही बात है। एक उदाहरण आता है कि एक व्यक्ति ट्रेन में सफ़र कर रहा है और उसके पास 40 किलो का सूटकेस है, वो सूटकेस अपने सिर पर रखकर सफ़र कर रहा है, नीचे नहीं रख रहा। ट्रेन चली जा रही है, सिर पर बोझ रखा हुआ है। हमारी ऐसी दयनीय और बेवकूफी भरी स्थिति न रहे, भगवान हम पर कृपा करें। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामकृष्णार्पणमस्तु, हरि ओम तत्सत।